Another day, another show. Assalamu alaikum and welcome to Game Set Match and another match of HBL PSL 7. 22 matches khele ja chuke hain. Aaj khela jayega the 23rd match of PSL 7 aur कोई तकरीबन चार दिन बाद आपको फिर से मुल्तान सुल्तान, वो टीम जो कि टॉप पे बड़ी कंफर्टेबली बैठी हुई सबके मैचेस देख रही है, वो आपको खेलती हुई दिखेगी, इन एक्शन दिखेगी। और दूसरी तरफ वो टीम दिखेगी जो कंफर्टेबली तो नहीं मगर बॉटम पे बैठी हुई और वो भी ऊपर सबके मैचेस देख रही है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सो डिस्कशन होगी इन मैचेस के हवाले से, साथ ही साथ डिस्कशन के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी। कुछ स्टैट्स पे बात करेंगे, कुछ स्टैट्स के अलावा आप लोगों का फेवरेट मनपसंद एक सेगमेंट हमारा होता है #AskLala। सो #AskLala पे शाहिद खान आफरीदी भी हमारे साथ मौजूद होंगे और उनसे भी डिस्कशन करेंगे। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं अदील अज़हर। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग आप सबको। और सवेरा कुछ कसर नफसी से काम ले रही थी, कह रही थी वो टीम जो है ना वो सुकून से बॉटम पर नहीं बैठी हुई होगी। मेरे ख्याल से जिस तरह की क्रिकेट उन्होंने खेली एक्सेप्ट फॉर द लास्ट गेम, वो काफ़ी सुकून से बैठे हुए हैं वहाँ पे और कोई अर्जेंसी और आपको कोई जो है ना वो मजबूरी नज़र भी नहीं आ रही है। कराची किंग्स की परफॉर्मेंस को भी कोशिश करेंगे आज हम डाइसेक्ट करें। वी हैव टॉक्ड आई थिंक टू थीम्स जिनके बारे में हमने बहुत बात की है, दिस वन कराची किंग्स एंड अदर इज मुल्तान सुल्तान। लेकिन एक बात जो हम बार बार कह जा रहे हैं वो ये कि किसी ना किसी टीम की पार्टी ये ख़राब अभी भी ज़रूर कर सकते हैं। रिमेंबर कराची किंग्स स्टिल हैज़ गॉट 3 मैचेस टू प्ले, उसमें से एक मैच वो आज खेल रहे होंगे अगेंस्ट मुल्तान सुल्तान। और अगर By any chance, देखिए एक तो लाहौर कलंदर ये साबित कर चुकी है कि मुल्तान सुल्तान इनविंसिबल नहीं है। इनविंसिबल होना किसी भी खेल में बड़ा एक अनयूजुअल सी गेम होती है, विच एवर लीग दैट शू पिक अप। हाउएवर कराची किंग्स अगर आज फॉर आर्ग्यूमेंट सेक मुल्तान सुल्तान को हरा देता है, देयर फर्स्ट पोजिशन कुड एक्चुअली बी थ्रेटन्ड दैट, यू नेवर नो। सो यू नेवर नो, क्या बात है। मतलब मैं वही कहती हूँ ना कि फिर चाहे फैन अपने आप को कोई माने या ना माने, मगर ये जो सिटी एसोसिएशन होती है ना, इसीलिए खास साहब जो हैं वो इतना जोर देते हैं कि कौन किसकी एसोसिएशन होगी डिपार्टमेंट से। जब अपने अपने रीजन्स की बात करेंगे तो तब वो एसोसिएशन बिल्ट होगी और वो एसोसिएशन मुझे इस वक्त दिख रही है, क्योंकि अदील ये सोच रहे हैं कि मुल्तान सुल्तान के अगेंस्ट कराची किंग्स जीत सकता है, मगर देखें हो भी सकता है बिकॉज अब तक अदील ने जितनी प्रेडिक्शंस की है वो कहीं ना कहीं कल गलत हो गई है। कल उसका पता है, कल जब वो स्मीट खेल रहा था ना और शेफी के साथ, उस वक्त मुझे लग रहा था कि मेरी कॉल का मैसेज करने वाला था ग्रुप में कि देखें जी माय प्रेडिक्शन इज कमिंग आउट टू बी ट्रू। लेकिन वो वैसे अगर तनवीर का वो ओवर हटा दें हम तो प्रेडिक्शन ठीक थी मेरी। वैसे कैसे हटा दें, उस ओवर ने तो जितना उधम मचाया वो, मतलब उस ओवर ने, वो कहते हैं ना मैं भूलूंगा नहीं, यानी 2018 की एक चीज़ बेन कटिंग ने कहा, चार साल गुजर जाए कुछ भी हो जाए हम भूलेंगे नहीं, बट बिल्कुल नहीं भूले बेन कटिंग। बट डिस्कशन को हम ये भी आगे बढ़ाएंगे, पर साथ ही साथ हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं शाहिद खान आफरीदी। काफ़ी दिनों बाद बात करने का फिर से मौका मिल रहा है। लाला वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम जी। सवेरा कहाँ इतने दिनों बाद बात करने का मौका, परसों तो बात हुई है आपसे। परसों हुई है? अच्छा, वो लाला मतलब मैं जिस तरह हमारे फैंस आस्क लाला पे मुसलसल मैसेज करते रहते हैं ना, अब कब आएंगे, कब हमारे सवाल पूछेंगे, तो मुझे लगता है कि बहुत दिन गुजर गए। वैसे लाला हमें तो लग रहा था कि आप हमारे शो में आएंगे, हम एक सैड म्यूजिक बैकग्राउंड में बज रहा होगा और लाला आके हमारे प्रोग्राम में अनाउंस करेंगे कि नो मोर PSL, आई क्विट एंड ऑल। लेकिन हमें तो खुद ट्विटर से पता चला, अफसोस हुआ वैसे। यार ये ऐसा डिसीजन था कि बहुत ज्यादा मुश्किल डिसीजन था मेरे लिए, क्योंकि काफी तैयारी करके बैठा हुआ था और मैं चाह रहा था कि अच्छे नोट पे खत्म हो, लेकिन जरूरी नहीं कि जो इंसान चाहता हो वही सब कुछ हो। और बर्दाश्त की एक अपनी एक लिमिट होती है, हो नहीं पा रहा था। बहुत कोशिश की मैंने कि मैं बर्दाश्त कर सकूँ लेकिन हो नहीं पा रहा था। लेकिन आई थिंक खुशी एक ही बात यह है कि मैं एटलीस्ट PSL के 2-3 मैच खेल के फिर खुदाफिज कर रहा हूँ अपने फैंस को, और अपनी फैंस की वजह से ही सवेरा मैं खेल रहा हूँ। सच्ची बात तो ये है, बिल्कुल फैंस की जाहिर सी बात है, जो पावर फैंस पंप करते हैं वो तो वही चीज़ है जो मेरा ख्याल से क्रिकेटर्स को, जो भी सेलिब्रिटीज़ होती हैं उनको आगे फॉरवर्ड करती है और उनको वो हिम्मत देती है। बट लाला कल भी क्वेटा ग्लैडिएटर्स खेली, मगर क्या खेली, क्योंकि ऐसा लगा कि विल स्मीड ही खेले, उसके अलावा तो एक दो किसी ने कुछ किया, वरना पूरी टीम जो है वो ऐसा लग रहा था टेलीफोन नंबर है जितने रन्स पे वो आउट हुई है, जिस तरह सब लड़कों ने खेला। कल के मैच में क्या हुआ एक पैकेज पर नज़र डालते हैं और उसके बाद फिर अपनी कॉन्वर्जेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल जी, तो ये सब कुछ हुआ क्वेटा ग्लैडिएटर्स के साथ। बोलिंग क्वेटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से अच्छी हुई मगर बैटिंग में स्टेबलाइज नहीं कर सके। एक विल स्मीड अकेले थे बेचारे, ये तो मुझे लग रहा है सेंचुरी तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। एक दफ़ा पहले भी शायद ये 97 पे आउट हो गए थे, नर्वस 90s इनको ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है। बट लाला एक चीज़ जो कि बड़ी पॉजिटिव हुई, नसीम शाह जिस तरह इस वक्त बोलिंग कर रहे हैं, और फिर मैं सोचती हूँ कि हमने वर्ल्ड T20 खेलने ऑस्ट्रेलिया जाना है,
सो बहुत काम आने वाले हैं पाकिस्तान के लिए। सवेरा इंजरीज के बाद इस लड़के ने जितना जबरदस्त अपने आप को फिट किया है, अब मैं जब तक साथ था टीम के रोज इसकी रूटीन थी जिम जाना, अपना बहुत ख्याल रखना, डाइट का बड़ा ख्याल रखना, जो प्रोफेशनल एथलीट को करना चाहिए वही उस लड़के के अंदर मुझे चीजें नजर आई हैं। और नो डाउट बहुत अच्छे स्पेल्स किए हैं, मुश्किल कंडीशन कहूँगा लेकिन उसके स्पेल्स बहुत ज़बरदस्त थे। और मैं जो आपने बात की कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, तो ऑस्ट्रेलिया में तो आपको जेन्युइन पेसर्स चाहिए, अगर आपके पास शाहीन जैसा बॉलर, रऊफ हो गया, अंदर तक ये हो गया, क्योंकि स्नैन भी नहीं है आपके पास, तो आपके पास तीन जेन्युइन फास्ट बॉलर्स अगर होंगे विद वेरी गुड पेस तो काफ़ी टीम को सपोर्ट मिलेगी। और इसमें जो अच्छी बात है वो ये सवेरा और लाला के माशाल्लाह बेंच स्ट्रेंथ भी आपको जो पीएसएल में नजर आ रही है, जमान को हमने देखा, जो अपकमिंग प्लेयर्स हैं जाहिर है उनको शायद वर्ल्ड कप में ले जाना विल बी अ बिट बिफोर टाइम, लेकिन फिर भी माशाल्लाह गुड साइंस ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। वैसे लाला किसी बड़ी पुरफजा से मकाम पर नजर आ रहे हैं ये, जनरली तो होटल के रूम से या अपने कमरे, ये कहीं ये बताएंगे आप अभी हैं कहाँ पे मौजूद? वैसे तो जो हो रहा है क्योंकि मेरी वाइफ की जो बड़ी सिस्टर थी उनका इंतकाल हो गया था, तो मैं आया नहीं, अकेले नहीं आया हुआ था, तो मैं बस सीधा लाहौर से इधर ही पहुंचा हूं, गांव आया हूं। अभी मौसम बड़ा खूबसूरत मौसम है, घर की छत पे बैठा हूं, बारिश के चांसेस भी बहुत ज्यादा है यहां। वाह जबरदस्त, मतलब तो हम बिल्कुल ही ना रिलैक्स हुआ हुआ माहौल है लाला, देखकर हम रिलैक्स हो रहे हैं बिकॉज कराची में तो यस गर्मी शुरू हो गई है, सो थोड़े दिनों बाद आपको भी इसी गर्मी में वापस आना है, एंजॉय कर ले आप जितना। बट हम अब मूव ऑन करते हैं उस सेशन की तरफ जहाँ आस्क लाला, हैशटैग आस्क लाला हम ट्विटर पे लोगों से पूछते हैं, और चाहे दिन हो रात हो मैसेजेस आते रहते हैं उस आस्क लाला, हैशटैग आस्क लाला पे इतने मैसेजेस होते हैं कि उनको फिल्टर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बट जो फिल्टर करके सामने निकले वो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला मैसेज जो हम ऐड इन करेंगे वो हसनैन खावर कहते हैं, लाला मोहम्मद आमिर को कमिंग वर्ल्ड कप 2022 में खिलाएंगे या नहीं, अगर नहीं तो क्यों? देखिए मोहम्मद आमिर की जो स्टोरी है बिल्कुल स्ट्रेट बात करूंगा, मेरा नहीं ख्याल के कमबैक की तरफ सिलेक्शन कमेटी या बोर्ड देख रहा है, मेरा नहीं ख्याल। अब आपके पास आप जब नए टैलेंट की बात करते हैं तो मेरे ख्याल में नए टैलेंट में आपके पास शाहीन रऊफ, शाहनवाज दानी, इस तरह के सारे अब लाइन में पीछे लगे हुए बॉलर्स हैं आपके पास पीछे, तो मेरा नहीं ख्याल कि सिलेक्शन कमेटी की नज़र मोहम्मद आमिर के लिए वर्ल्ड कप की तरफ होगी, बज़ाहिर ऐसे ही दिखता है। अगले सवाल पे जाते हैं और ये हैं जी हसन नुमान जो पूछ रहे हैं, शाहिद भाई डू यू सी शादाब खान एज अ परफेक्ट ऑलराउंडर फॉर पाकिस्तान? बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में शादाब, लाला फ्यू वर्ड्स ऑन शादाब खान। शादाब का जहाँ तक ताल्लुक है देखिए यहाँ पे तो कप्तानी भी कर रहा है और अपनी फ्रेंचाइज की तरफ से तीसरे चौथे नंबर पर बैटिंग कर रहा है, पाकिस्तान की तरफ से हमें इस तरह नजर नहीं आया, तो यूटिलाइज करना, अगर वो उसको हमने यूटिलाइज करना एक अच्छे ऑलराउंडर की शक्ल में उसको बनाना है तो चांसेस तो देने पड़ेंगे आपको उस नंबर पे। और मेरा नहीं ख्याल कि शादाब की पोजीशन कोई नीचे बनती है, शादाब ऐसा प्लेयर है कि सर्कल के अंदर आपके पास अगर दो फील्डर बाहर है तो आप चांस ले सकते हैं T20 के अंदर, कोई आपको आई थिंक यूज किया जा सकता है। ठीक है लाला, नेक्स्ट सवाल हैशटैग आस्क लाला पे पूछा है एम शुएब खान सनी ने, और वो कहते हैं लाला हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, क्रिस गेल, विराट कोहली, एबी डिविलियर्स? अच्छा बेस्ट फ्रेंड के मायने अलग हैं, बेस्ट फ्रेंड अलग होते हैं, फ्रेंड्स अलग होते हैं, तो मेरे ख्याल में क्रिस गेल के साथ काफी पुराना ताल्लुक रहा है मेरा, मुझे याद आ रहा है कि अंडर-19 के मैचेस में भी हम साथ थे, तो क्रिस गेल से ताल्लुक पुराना है और कोई भी हमारी एक्टिविटीज होती है खासतौर पे फाउंडेशन के हवाले से बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है वो। दैट इज ग्रेट। अब एक सवाल चले मैं नहीं दूसरा सवाल पूछता हूँ, प्राइम मिनिस्टर वाला सवाल तो वैसे लाला से इतना पूछा जाता है, आवाम ने वो नारा किसी और के लिए लगता है दिलों का वजीर आजम, मुझे लगता है वैसे दिलों का वजीर आजम जो है ना वो शाहिद खान आफरीदी है एक्चुअली इस वक्त, लेकिन आपके पास स्टूडियो में प्रोग्राम करने के लिए बिल्कुल बिल्कुल जल्दी आए स्टूडियो में, प्रोग्राम अब आपके साथ करेंगे हम। सभी खटक ये कहते हैं लाला विच सेलिब्रिटी डिड यू मीट दैट मेड यू थिंक दैट माय ड्रीम हैज कम ट्रू टुडे, किससे मिलके लगा कि बस मेरा ख्वाब पूरा हो गया लाला? अच्छा अरे लोगों से मेरी मुलाकात हुई है बड़े बड़े हर जगह, चाहे सिर्फ पाकिस्तान ही बाहर मुल्कों में भी, लेकिन जो एक ख्वाब था मेरा क्योंकि मैं जब क्रिकेट शुरू की थी तो मैं सिर्फ दिन रात इमरान खान के बारे में ही सोचता था,
और अपने साथ ये बात करता था कि यार अगर इसको अल्लाह ने इतनी इज्जत सब कुछ दिया तो मुझे क्यों नहीं दे सकता। तो मैं सिर्फ ख्वाब ही उस बंदे के देखा करता था। और जब इमरान भाई से मेरी पहली मुलाकात थी तो इमरान भाई से हाथ मिलाने के बाद मुझे थोड़ी देर के लिए फील हो रहा था कि मेरे पाँव के नीचे से जमीन नहीं थी, क्योंकि आपके आइडियल, आपके हीरो जिनकी वजह से आपने क्रिकेट शुरू की, उनके साथ आप हैंडशेक कर रहे हो, तो मेरी वो फीलिंग थी कि मुझे ऐसा लग रहा था मेरे पाँव के नीचे जमीन नहीं है। और तो इमरान खान ने आपसे हाथ मिलाने के बाद ये तो नहीं कहा था यार बहुत जोर से हाथ मिलाते हो यार? नहीं, अगर उनको पता भी होगा खुद नहीं कहेंगे वो। अच्छा, नहीं कहेंगे, ठीक है। लाला बहुत जोर से हाथ मिलाते हैं वैसे ये इनके भाई, ये बहुत भाई अब दर्द रह जाता है आपके, सीरियसली। बट आस्क लाला का ये सिलसिला तो यहाँ खत्म हुआ। बट लाला एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि हम कराची किंग्स की बात करेंगे, कराची किंग्स की जो परफॉर्मेंस रही है पीएसएल 7 में उसके हवाले से बात करेंगे। बाबर आजम ने अब एक बहुत बड़ी सीरीज खेल ली ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। आपको लगता है एज अ कैप्टन कहीं ना कहीं ये जो 7-0, अभी तक 7-0 ही है, मैं आगे तक नहीं सोचना चाहती, और 7-0 का जो टोल होता है कहीं ना कहीं कैप्टन के दिमाग पे आता है जब बाबर आजम यहाँ से निकल के कराची जाएंगे कैंप में, ऑस्ट्रेलिया टूर के कैंप में, तो जब उस वक्त आपको लगता है सारी चीज़ें पीछे छोड़ पाएंगे या टाइम लगेगा? देखिए, कराची किंग की परफॉर्मेंस और कराची शहर के हालात दोनों एक ही तरह के लगे मुझे, ज़्यादा है मुझे के हालात भी इसी तरह की ही है। अच्छा, जहां तक देखिए सवेरा, प्रोफेशनल क्रिकेटर जो होते हैं वो प्रोफेशनल होते हैं, और बाबर काफी अरसे से क्रिकेट खेल रहे हैं, और उनको जहरी बात है एडजस्ट एक ऐसे माहौल से आए कि पीएसएल के लिए कि जहां पे प्लेयर्स डिफरेंट है, लेकिन आई मीन कि वो एडजस्ट कर जाएगा एज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर, वो उसी माहौल से ही आया है। उसे अपने कराची किंग के प्लेयर्स के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है जो वो पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स के साथ कॉन्फिडेंस है उसको। लाला, आपने भी कराची किंग्स के लिए ज़ाहिर क्रिकेट खेली है, आपने एक सीज़न इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन आपने उनके लिए खेला है, आप परफॉर्मेंस भी उनकी देख रहे हैं, ओवरऑल सिलेक्शन में ही मसला लग रहा है कि टीम उनमें डेप्थ नहीं थी। कल अज़हर महमूद से हमारी बातचीत चल रही थी, बड़ी तफसीली बातचीत, और वो जिस तरह बता रहे थे कि इतनी इंजरीज के बावजूद हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ है एंड ऑल, कराची के तो प्रॉपर 11 खिलाड़ी भी आपको ऐसा लग रहा है, बड़ी डिसबैलेंस उनका स्क्वाड लग रहा है, गलती पर इनसे जी किसी भी चीज़ के अंदर अगर प्रोफेशनलिज्म नहीं होगी ना, प्रोफेशनल नहीं आएंगे, और आप क्रिकेटर्स पे या मैनेजमेंट पे पैसे नहीं लगाएंगे तो आप रिजल्ट की उम्मीद ना रखें। आप दूसरी चीज़ों पे ज़्यादा पैसे लगा जाते हो, और जहाँ पैसे लगाने की ज़रूरत है, ठीक है, पहली बात ये कि ये बहुत बड़ा बिजनेस, अगर सलमान इकबाल साहब बनाना चाहें कराची किंग को, इस फ्रेंचाइज को, तो बहुत बड़ा बिजनेस बना सकते हैं, लेकिन इसके ज़रिए दूसरे बिजनेसेस को खड़ा करना, मेरे ख्याल में वो भी अपनी जगह, बिजनेसमैन आदमी है वो, लेकिन प्रोफेशनल लोग ही इस तरह की चीज़ों को जो है वो टेक ओवर कर सकते हैं, उसी वही लोग इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको अच्छा कैरी कर सकते हैं, बट प्रोफेशनलिज्म इज इम्पोर्टेंट। बट लाला, एक चीज़ कल अज़हर महमूद ने भी ये बात की जब हमने उनसे पूछा, वो क्योंकि वो भी कराची किंग्स का हिस्सा रहे, बट उन्होंने पर्टिकुलरली कराची किंग्स का जिक्र करते ही फिर जब इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात की तो उन्होंने पर्टिकुलरली ये कहा कि यहाँ पे हम अपने डिसीजंस ले सकते हैं। सो एक ऐसा इम्पैक्ट आया, और वो बाहर से दिखता है, बाहर जो हम सब हैं हमें ऐसा लगता है कि कराची किंग्स में कोच और कप्तान अपने डिसीजंस ले नहीं सकता, क्योंकि आप इस सिस्टम का हिस्सा रहे हैं, आप कराची किंग्स का हिस्सा रहे, कितनी सच्चाई है इस बात? देखिए, मैं ये तो डिपेंड करता है कि लीडर, कप्तान, कप्तान कितना स्ट्रांग है, कप्तान कप्तान ने अपने डिसीजन लेने या फ्रेंचाइज जो ओनर है उससे बात करके टीम बनानी है, ये तो कप्तान के ऊपर डिपेंड करता है कि कप्तान कितना स्ट्रांग है, कप्तान को अपने डिसीजन खुद लेने चाहिए, कप्तान ने क्राउड को फेस करना, कप्तान ने मीडिया को फेस करना, जवाब दे हर चीज का, तो डिसीजन भी कप्तान के होने चाहिए, डिपेंड करता है कि कप्तान है कितना स्ट्रांग। अच्छा, पाकिस्तान क्रिकेट की और कुछ इंटरनेशनल क्रिकेट की कुछ लेजेंड्स ने जो है वो शाहिद आफरीदी को अपने ट्वीट्स के थ्रू, फेसबुक पोस्ट के थ्रू ट्रिब्यूट पेश कर दिया कि जी लाला व्हाट अ करियर एंड इंस्पिरेशनल एंड स्टफ। सो वो तो देख के तो ऐसा लग रहा है कि अब लाला जैसे कब जो है ना वो क्रिकेट खेलते हुए हमें नजर तो नहीं आएंगे, लेकिन अभी प्लान तो है ना, आप कुछ जिक्र कर रहे थे तो मुझे पूरा ही रिटायर कर दिया भी हुआ है। सीरियसली, हम खुद ही इस्तेमाल करूंगा अपने आप को, कश्मीर लीग आ रही है, ठीक है, ठीक है, कश्मीर लीग चैलेंज। आई रिमेंबर आपने केपीएल और T10 दोनों का जिक्र किया है कि यू विल बी अवेलेबल टू प्ले दैट, बट मेबी सवेरा ये मेरा लास्ट ईयर हो क्रिकेट, दैट्स इट, ये क्या पता ये मेरा आखिरी साल ही हो, दिसंबर खत्म, जनवरी। शाहिद खान आफरीदी कोचिंग की तरफ जाएंगे कि नहीं जाएंगे? एक आखिरी सवाल लाला और फिर हम आपको थैंक यू कहेंगे। तवेरा कोचिंग की तरफ बिल्कुल आ सकता हूं, लेकिन अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19 लेवल पे, दैट्स इट, इसलिए कि मैं अपना एक्सपीरियंस उन बच्चों के साथ शेयर करना चाहता हूं, उनको मैं बता सकूं
कि मैं आपकी जगह था तो मैं किन मुश्किलात में से क्रिकेट की तरफ आया हूँ, मेरा विजन क्या था, मेरे ख्वाब क्या थे, मैं क्या ख्वाब देखा करता था। जब ये चीजें आप अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19 के बच्चों के साथ जब आप शेयर करते हो तो बच्चे मोटिवेट होते हैं कि यार ये बंदा इतनी मुश्किल हालात में से क्रिकेट खेली है तो हम क्या चीज है। तो इस तरह के जितने भी एक्स क्रिकेटर्स हैं जो काफी अरसा पाकिस्तान से खेले, मैं हमेशा फेवर में होता हूँ कि वो लोग नीचे लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे कोचिंग करें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। सो अभी बहुत मजे की डिस्कशन हमारी हुई, शाहिद खान आफरीदी हमारे साथ मौजूद थे, #AskLara भी हमने मेंशन किया, खोल के बात, कोई डिप्लोमेसी नहीं, कोई डिप्लोमेसी नहीं, जो दिल में आई बात वो ठक करके जबान पे आ गई, ये सोचना नहीं कि जी क्या होगा, क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, बिल्कुल भी नहीं, इसलिए बड़ा मजा आता है बात करने का। बट वक्त हुआ एक ब्रेक का, मगर हम जब ब्रेक से वापस आएंगे तो दी स्टैट्समैन ऑफ पाकिस्तान, आई वुड से दी स्टैट्समैन ऑफ पाकिस्तान इस वजह से बिकॉज अब ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं, जगह जगह जाके वर्ल्ड कप, वर्ल्ड T20, डिफरेंट सीरीज, दुनिया में जगह जगह जाके ये पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं बिकॉज ये पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं और बेहतरीन स्टैटिस्टिशियन हैं। मजहर अरशद हमारे साथ होंगे, हम ब्रेक से वापस आएंगे तो डिस्कशन उनसे शुरू करेंगे और स्टैट्स के हिसाब से बात करेंगे कि क्या क्या मसले किस टीम में हैं और कौन सी टीम सक्सीड कर रही है क्यों, आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू गेम सेट, मैच डिस्कशन हमारी हो रही थी शाहिद खान आफरीदी से, #AskLara पे भी बात हुई और बहुत सारी डिस्कशन हुई, मगर अब जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, अगर मैं ये कहूँ दी स्टैट्समैन ऑफ पाकिस्तान तो बिल्कुल बात गलत नहीं होगी, वो इस वजह से बिकॉज जितनी तेज़ी से इन्होंने तरक्की हासिल की और ना सिर्फ विद इन पाकिस्तान, दुनिया भर में अब ये एज स्टैटिस्टिशियन बुलाए जाते हैं, बी इट वर्ल्ड कप, बी इट कोई भी लीग दुनिया की, अभी भी इस वक्त भी न्यूजीलैंड से हमें ज्वाइन इन करेंगे। मजहर अरशद हमारे साथ मौजूद हैं, मजहर वेलकम टू गेम सेट मैच। जी बहुत बहुत शुक्रिया सवेरा। So, मज़र सबसे पहले तो छूटते ही मैं जो पता है कि सबसे पहले बात ही ये करनी चाहिए क्यों परफॉर्मेंसेज ऐसी हैं, टीम ये क्या कर रही हैं, आप इस वक्त PSL से दूर है, सबसे पहले तो ये बताएं खुद PSL में होना कितना मिस कर रहे हैं आप। देखें PSL के जितने भी टूर्नामेंट्स हुए हैं मैंने सारे किए हैं, बल्कि एक स्टेज तो ऐसी थी कि मैंने शुरू में जितनी भी PSL की 5000 जो बॉल्स थी उसमें से एक भी बॉल मिस नहीं की थी। जब 2020 में जब कराची में गई, यानी जब दो क्रूज बने थे कि एक मैच लाहौर में होता था एक कराची में होता था, तब मैंने फर्स्ट टाइम कोई PSL का मैच मिस किया था। तो ऑब्वियसली आई थिंक PSL में जिस तरह क्राउड का एक एक जोश होता है और अवाम जिस तरीके से फॉलो करती है तो उसके ऊपर काम करने का अपना मजा है, लेकिन ये है कि रिसेंटली मुझे अंडर 19 वर्ल्ड कप करना था और फिर उसके बाद वुमेन्स वर्ल्ड कप, तो उसकी वजह से मैं इस बार PSL नहीं कर सका, इस बार मैं नहीं कर सका, लेकिन ये है कि TV के ऊपर जो है मैं मैचेस फॉलो करता हूँ, आपके प्रोग्राम्स देखते हैं तो हमें PSL के बारे में पता चलता रहता है। अब मज़र बड़ी कसर नफसी से काम ले रहे हैं, मज़र अदील अज़र बात कर रहा हूँ भाई, आपके ट्वीट से हमें पता चलता है यार, हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम क्रेडिट दे दें आपको और कहीं ना कोई रह ना जाए क्रेडिट, बट मज़र फॉलो तो कर रहे हैं और माशाल्लाह यू यार, मैं पता है सवेरा मज़र वुड रिमेंबर आई इनवाइटेड हिम टू माई रेडियो शो अराउंड कोई 4 years बैक और मज़र से मैंने एक बार पूछा था मज़र कोई ऐसा स्टैट बताएं यार कि आप भी कहें यार मैं छा चुका हूँ, तो इन्होंने बताया था कि सईद अजमल को जो पहली बार मैन ऑफ द मैच मिला था तो ये क्योंकि करियर में वेरी लेटर इन हिज करियर, ये मज़र आपने शायद मुझे बताई थी ये बात आई रिकॉल, अभी मज़र एक स्टैट निकाल कर लेकर आया वो इस्लामाबाद यूनाइटेड वाला, यानी कमाल हो गया यार 193 कितने रन बनाए और कह रहे हैं जी पहली बार ऐसा हुआ है एनी टी20 लीग कि किसी भी खिलाड़ी ने 35 स्कोर नहीं किया और टीम ने जो है वो 190s में स्कोर कर दिया, तो ये सीक्रेट तो बताएं ये कौन सा डेटाबेस है आपके पास, ये आइडियाज कहाँ से आते हैं ये स्टैट्स के। देखिए अदील बात है सारे शौक की, जब आप क्रिकेट को फॉलो करते हैं तो आप चीज़ों को सोचते हैं, आप कई एंगल से गेम को सोचते हैं, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुझे पता है कि वो इस चीज़ पर रिलाई नहीं करते कि उनका कोई बैट्समैन आके सेंचुरी करे, उनको सेंचुरी से परवाह नहीं है, वो कहते हैं कि हमारे पास अगर 8-10 बैट्समैन है तो हर बैट्समैन आके बस 10-15 बॉल्स खेले या 20-25 बॉल्स खेले और हमें 30-40 रन करके दे। तो जब मैंने वो स्कोर कार्ड मैंने देखा तो मैंने देखा कि इसके अंदर हाईएस्ट स्कोर किसका है, तो हाईएस्ट स्कोर 34 था, तो फिर जो है मैंने जरा कुछ टेक्निक्स यूज की डेटाबेस वगैरह में तो मुझे पता चला कि दुनिया के किसी भी लीग में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी टीम ने 191 किया हो
और एक भी बैट्समैन ने 35 रन ना किए, तो इससे पता चलता है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड का माइंडसेट क्या है कि वो कैमियोज के ऊपर रिलाई करते हैं, वो इस चीज को उनकी परवाह नहीं है कि हमें कोई बैट्समैन आके सेंचुरी करके दे। बट बजर फिर भी होता है ना, एकदम से एक सोच आती है। एक और मैं आपका ट्वीट मेंशन करूंगी और फिर मैं सोचती हूँ कि ये क्या, किस माइंडसेट में मजर ने ये बात सोची होगी। अभी कल की ट्वीट है, नसीम शाह इज द फर्स्ट बॉलर टू टेक 4 विकेट्स ऑन बर्थडे इन पीएसएल, प्रीवियस बेस्ट फिगर्स वर बाय द बर्थडे बॉय 2 for 14 बाय कॉलिन मनरो। मतलब ये कहां से जहन में अचानक आया कि यार ये तो इसने 4 ले लिया, सालगिरह भी आज, इस तरीके से कहीं ना कहीं ड्राइव होती है ये चीज। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि उनकी सालगिरह, टू बी ऑनेस्ट। मैं जब टीवी पे मैच देख रहा था तो कमेंटेटर ने कहा कि आज इनकी सालगिरह, इनका बड़ा अच्छा दिन जा रहा है, तो मैंने कहा चलें देखते हैं कि सालगिरह पे और किस किस ने जो है वो विकेट्स ली हुई हैं। तो उसमें मैंने देखा कि नसीम शाह पहले बॉलर थे जिसने की पीएसएल में, लेकिन ये आई थिंक ये ऐसे स्टैट्स हैं जिनका परफॉर्मेंस से कोई ताल्लुक नहीं होता, ये सिर्फ आप कह लें फन फैक्ट होता है, आपको पसंद आ गया। कई लोग मुझे इस पे ट्वीट करके कह रहे थे यार जो लोग फरवरी मार्च में नहीं पैदा हुए उनका क्या कसूर है। नहीं नहीं कोई बात नहीं, बहुत सारे लोग रिश्तेदारियां बताते हैं और बहुत सारे लोग जो है बताते हैं वो जी हजाम की दुकान उधर जाते हैं, तो अलग अलग सबके जो है अलग अलग चीजें। वेडिंग एनिवर्सरी वाले दिन जो है वो अब्बू की सालगिरह वाले दिन किसी ने 4 विकेटें नहीं ली, अपनी शादी की सालगिरह वाले दिन नहीं ली, अम्मी इस दिन पैदा हुई थी। तो मजर आपने अभी यू टॉक्ड अबाउट इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड ये सेट के जी वो रिलाई करते हैं फास्ट हिटिंग कैमियोस के ऊपर और ये सारी चीजें, कराची किंग्स किस चीज पे रिलाई करती है? देखिए कराची किंग्स पहले रिलाई किया करती थी अग्रेसिव बैटिंग के ऊपर। ऊपर अगर आप 2020 वाला जब वो पीएसएल जीते थे तो आप देखेंगे उनके पास एलेक्स हेल्स हुआ करते थे और उस टूर्नामेंट में एलेक्स हेल्स का स्ट्राइक रेट 140 का था। फिर हम देखते हैं कि उसके बाद भी शर्जील खान की जो परफॉर्मेंसेज थी और बाबर आजम की परफॉर्मेंसेज, उसकी वजह से कराची बहुत मैचेस जीता है। इस बार हो ये रहा है कि बाबर आजम को कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा, वो अकेले रन कर रहे हैं और जब उनके इर्द गिर्द विकेट्स गिरना शुरू होती हैं तो वो मजीद डिफेंसिव हो जाते हैं, क्योंकि उनके जहन में ऑब्वियसली ये चीज होगी कि मैं कैप्टन भी हूँ, मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, मैंने इनिंग्स को कैरी करना है, अगर मैं आउट हो गया तो क्या होगा कि हम 60 या 70 के ऊपर ऑल आउट ना हो जाए या 100 के ऊपर ऑल आउट ना हो जाए। तो उस चक्कर के अंदर आई थिंक कराची जो है वो काफी जो है जरा स्लो खेल रहा है, खासतौर पर अगर हम पावर प्ले की बात करें तो कराची इज द ओनली टीम इन दिस पीएसएल जिनका रन रेट शुरू के 6 ओवर्स में 7 से कम है, बाकी जितनी भी टीम्स हैं उनका 8 से ज्यादा है, इस्लामाबाद का तो 10 से भी ज्यादा है। तो आई थिंक ये एक साथ साथ मजर हम अपने व्यूअर्स को भी दिखा रहे हैं, ये एक एआर हमने बनाया हुआ है, साथ साथ हम पावर प्ले कर रहे हैं कराची की, हम अपने व्यूअर्स को भी साथ साथ दिखाएंगे। और जिस तरह आप पावर प्ले की बात कर रहे थे, आप प्लीज कंटिन्यू करें कि कराची के पावर प्ले के क्या हालात हैं। मैं आपको अगर थोड़ा सा मैं बताऊं आपको थोड़ा सा अगर जो कि आपको पता होगा डेफिनेटली, तो अभी तक पावर प्ले में 50 प्लस स्कोर नहीं कर सका कराची, 49 for 2, 41 for none, 33 for 4, 48 for none, 43 for 2, 35 for 2 एंड देन 33 for 1, ये हालात रहे हैं कराची किंग्स के। सो आप कंटिन्यू करें प्लीज अपनी कराची किंग्स के पावर प्ले की बात। देखिए सवेरा, इसमें ये है कि बाबर आजम ऑब्वियसली वो इस तरह के बैट्समैन हैं कि जरा थोड़ा ऊपर से टाइम लेते हैं, उनको होता है कि मैं इनिंग्स को बिल्ड करूं। अब उसके आसपास होता क्या था कि शर्जील खान जो है वो रन करते थे, अब होता क्या है कि इस टूर्नामेंट में हमने देखा है जब शर्जील बैटिंग करने आते हैं तो दूसरी टीम कोई ऑफ स्पिनर को लगा देती है तो उस ऑफ स्पिनर के ऊपर शर्जील फंस जाता है और वो ज्यादा चांस नहीं लेता, कभी हफीज जो है वो आ जाता है या कोई और ऑफ स्पिनर। तो आई थिंक ये ऐसा माइंडसेट नहीं होना चाहिए किसी टीम का, अगर आपसे रन्स नहीं हो रहे तो आप आउट हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। T20 क्रिकेट में अगर आपके पावर प्ले में 2 आउट हो जाए, ये गलत लोगों ने माइंडसेट बनाया हुआ है कि अगर 2-3 आउट हो जाए तो आप मैच हार जाते हैं। आप इस्लामाबाद यूनाइटेड को देखें कि उनके 110 के ऊपर 6 आउट थे, उन्होंने फिर भी जो है उस मैच में 199 कर दिया। और इस्लामाबाद यूनाइटेड अगर इस टूर्नामेंट में कोई मैचेस हार रहा है तो वो अपनी बॉलिंग की वजह से हार रहा है, दे आर द बेस्ट बैटिंग साइड बट दे आर द वर्स्ट बॉलिंग साइड एज वेल। तो आई थिंक ये एक माइंडसेट चेंज करना है, आप विकेट्स ठीक है एक इंपॉर्टेंस है, लेकिन अगर 1-2 आउट हो जाते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एक बैट्समैन 0 के ऊपर आउट हो जाए और ज्यादा बॉल्स फेस ना करे, ये बेटर है कि एक ऐसा बैट्समैन हो जो कि 50 गेंदों के ऊपर 60-70 रन करे, तो वो बाकियों के जो रिसोर्सेज हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। आई थिंक इस माइंडसेट से जो है कई टीम्स को निकलने की जरूरत है। हाँ, बिकॉज कराची किंग्स की परफॉर्मेंस जाहिर है, हमारे जो भी गेस्ट आ रहे होते हैं, हमारा सबसे ज्यादा शायद डिस्कशन कराची किंग्स के हवाले से हो रहा है, नॉट बिकॉज वी आर बेस्ड, वी आर डूइंग दिस शो फ्रॉम कराची, बट एक बिल्कुल डिफरेंट परफॉर्मेंस कराची दे रहा है आपको। एक पीएसएल 5 टीमें खेलती हुई नजर आ रही हैं एंड देन देयर इज कराची किंग्स। हमारे पास एक विजुअल और भी है कराची किंग्स के जो बैट उनके एवरेजेस के हवाले से और एआर मौजूद है हमारे पास एंड आई थिंक वी शुड हैव इट ऑन आवर स्क्रीन्स प्रीटी सून। आई अज्यूम देयर यू गो। बाबर आजम की अगर हम बात करें, आई मीन ओके, ही हैज गॉट एन एवरेज ऑफ 44.33, बट व्हाट इफेक्टिवनेस
क्या है इस इन रन्स की। उसके अलावा अगर आप बात करें सो दिस इज़ ऑल वेरी डिसअपॉइंटिंग, लाइक शर्जील हो गए, जो क्लार्क, इमाद वसीम और इनफैक्ट बाबर का जो स्ट्राइक रेट तो खैर आई थिंक 100 एंड समथिंग 121 का स्ट्राइक रेट है। सो मज़र अगर आप ये नंबर्स को भी देखें एंड ऑल, आई थिंक जो कराची किंग्स द इशू लाइज विद द टीम जो इन्होंने अपने साथ सेलेक्ट की थी या ड्राफ्ट की थी, एंड आई थिंक इसमें सब अग्री कर रहे हैं कि हम जब बाकी टीमों को देखते हैं कुछ डेप्थ होती है, कुछ सिलसिला होता है। वेयर डिड दे गेट रॉन्ग इन ड्राफ्टिंग मज़र? देखिए अदिल भाई, मैं इस चीज से एग्री नहीं करूंगा कि उनकी डेप्थ नहीं है, क्योंकि अगर आप पिछला मैच देखें तो कासिम अकरम ने आके 50 रन किए नीचे से, इमाद वसीम ने आके 50 रन किए हैं। डेप्थ इस वजह से फील नहीं हो रही कि नीचे वालों को प्रॉपर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। अगर नीचे वालों की बारी ही नहीं आएगी, अगर आप उनको आखिरी 3-4 ओवर्स देंगे तो वो कैसे जो है अपनी पोजीशन को या अपने इंपैक्ट को जस्टिफाई कर सकते हैं। इस वजह से आई थिंक क्रिकेट में, T20 क्रिकेट में टाइमली रिस्क लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप अगर ऊपर अगर आप तेज खेल रहे हैं, या तो आप रन कर देंगे या आप आउट हो जाएंगे। अगर आप आउट हो जाएंगे तो आजकल हर T20 क्रिकेट में हर टीम के पास इतनी डेप्थ होती है कि नीचे से आके कोई ना कोई रन कर सकता है, बल्कि अब तो टेल एंडर्स जो हैं वो 2 ओवर्स में आपको 30-40 रन करके दे सकते हैं। तो आई थिंक ये माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। आप देखें पिछले मैच में उनकी बारी आई है कासिम अकरम की और इमाद वसीम की, दोनों ने 50 रन कर दिए। नहीं तो विच मींस के जो स्ट्राइक रेट की बात बार बार बाबर के लिए हो रही है, जो स्ट्राइक रेट की शिकायत बार बार बाबर के लिए हो, क्या फिर वो सही है जो लोग कंप्लेन कर रहे हैं? मैं इसका जवाब आपसे जरूर लूंगी। एक ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, जल्दी से वापस आके डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। गेम सेट मैच में एक दफा फिर से खुश आमदीद इन कॉन्वर्सेशन विद मज़हर अरशद और बड़े मजे मजे की डिस्कशन हो रही है लाइव फ्रॉम न्यूजीलैंड। और मज़हर PSL में अब आप नहीं है यहाँ पे, तो रन्स बहुत बन रहे हैं भाई, यानी मेरे ख्याल से जितने इस बार हमने स्कोर्स होते हुए देखे और पावर प्ले पे खास तौर से कराची वाला लेग हो, अब लाहौर वाले लेग से कंपैरिजन तो हम थोड़े दिनों में ही कर पाएंगे, बट अभी तक क्या सूरत हाल लग रही है ये जो कराची में इतने या PSL में जो इतने रन्स बन रहे हैं इस बार? So is it different from the previous PSLs? जी बिल्कुल अदील भाई, अगर 2-3 दिन पहले तक जो एवरेज टोटल था PSL में वो 180 था फर्स्ट इनिंग्स का, और जो रन रेट था ओवरऑल वो 9 का था, विच इज द हाईएस्ट फॉर एनी ईयर इन PSL। पहले हम देखते थे कि कराची में सिर्फ रन होते थे, कराची हमेशा से बैट्समैन के लिए एक बड़ा जबरदस्त वेन्यू है, बैट्समैन ने हमेशा कराची में एंजॉय किए, काफी रन होते हैं। आई थिंक बेस्ट पिचेस पाकिस्तान में T20 क्रिकेट के लिए अगर पाकिस्तान में कहीं पे हैं तो वो कराची में है, और फिर वेदर भी इस तरह का होता है कि ड्यू वगैरह नहीं आती तो जो अच्छा बॉलर होता है वो वहाँ पे सर्वाइव भी कर जाता है। लाहौर में ये है कि लाहौर में भी रन हो रहे हैं, लेकिन लाहौर में रन होने की जो एक और रीजन है वो ड्यू है कि सेकंड इनिंग्स में ड्यू आ जाती है, बॉल गीला हो जाता है तो कई बॉलर्स को जो है मुश्किल होती है। हमने इस्लामाबाद वाला मैच देखा था कि उन्होंने काफी ज्यादा रन कंसीड कर दिए, फिर जो कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं उसके भी एक फैक्टर उसके पीछे ये है लाहौर में कि जो बॉल है वो गीला हो जाता है। बट आई थिंक के जो पिचेस हमने इस बार कराची में देखी हैं, कराची लेग में, इस तरह PSL की हिस्ट्री में इतनी अच्छी विकेट हमें पहले कभी देखने को नहीं मिली। बिल्कुल, और लाहौर की आप बात कर रहे हैं तो मैं लाहौर कलंदस की बात करूंगी। मज़हर, क्या ऐसा खास लाहौर कलंदस इस दफा कर रही है कि अलग ही रंग में दिख रही है? देखें लाहौर की जो बॉलिंग है वो पिछले 2-3 साल से तो बहुत स्ट्रांग चलती आ रही है। राशिद खान, हारिस रऊफ, शाहीन अफरीदी, ये दुनिया के 3 बेस्ट बॉलर्स में आते हैं। फिर अब जमान खान भी परफॉर्म करें तो उनके पास 4 अच्छे बॉलर्स हैं। लेकिन अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि लाहौर के जो बैट्समैन हैं वो बड़ा कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं। अगर हम फखर जमान की परफॉर्मेंस देखें, और बल्कि अगर आप इस टीम में, इस PSL में आप कोई भी टीम ले लें जो कि टॉप पे जा रही है, उनके पास एटलीस्ट एक ऐसा बैट्समैन है जिसका कि स्ट्राइक रेट 140 प्लस या 150 प्लस है। आप अगर मुल्तान को देखें, उनके पास 2 ऐसे बैट्समैन हैं जिनका स्ट्राइक रेट 200 से ज्यादा है, टिम डेविड और खुशदिल शाह। आप इस्लामाबाद को देखें, उनके पास है कॉलिन मनरो, उनके पास है एलेक्स हेल्स, अब हेल्स चले गए हैं लेकिन इनका स्ट्राइक रेट भी 140 प्लस है। इसी तरह लाहौर है, फखर जमान स्ट्राइक रेट 160 प्लस। कराची वाहिद एक ऐसी टीम है जिनके पास कोई भी ऐसा बैट्समैन नहीं है जिसका कि स्ट्राइक रेट 140 से ज्यादा हो, सारों का 140 से कम है। कासिम अकरम ने बस आके भी एक अच्छी इनिंग्स खेली है, एक अच्छी पेस के ऊपर इनिंग्स खेली है, तो आई थिंक ये चीज बहुत मैटर करती है। तो लाहौर के पास
अब वो बैट्समैन भी हैं जो कि अच्छे स्ट्राइक रेट पर रन्स कर रहे हैं और वो बॉलर्स भी हैं जो कि अच्छे इकोनॉमी रेट के ऊपर बॉलिंग कर रहे हैं। तो आई थिंक ये वजह है कि लाहौर की टीम, और फिर लाहौर इवन अगर आप पास्ट में भी देखें जब भी पाकिस्तान में मैचेस होते हैं तो लाहौर की टीम अच्छा खेलती है। PSL 2020 में फाइनल तक वो गए थे क्योंकि लीग पाकिस्तान में हो रही थी। पिछले साल जब तक लीग अबूधाबी में नहीं गई थी तो लाहौर की काफी अच्छी पोजीशन थी पॉइंट्स टेबल पे। उसके बाद जब ये अबूधाबी में गए तो वहाँ पे क्योंकि पिचेस जो हैं वो स्लो होती हैं तो ज्यादा हेल्प नहीं होती बैट्समैन के लिए, तो वहाँ पे जाकर उन्होंने स्ट्रगल किया था। तो आई थिंक पाकिस्तान में खेलना जो है वो लाहौर की टीम पसंद करती है। तो मजर एक सिंगल जवाब में बता दे कौन लगता है आपको PSL जीतेगा अपने स्टैट्स की उससे, जल्दी से एक सिंगल अल्फाज। देखें ये तो बहुत मुश्किल है लेकिन आई थिंक लाहौर और इस्लामाबाद का फाइनल होगा। बिल्कुल जी, मजर अर्शद कहते हैं लाहौर इस्लामाबाद का फाइनल होगा, देखेंगे ये कैसे ये होता है कि नहीं होता। बट थैंक यू मजर, थैंक्स अ लॉट आपके टाइम का, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पता है इस वक्त रात हो रही है वहां पे और रात पे आपने टाइम निकाला है यहाँ हमारे शो पे आने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ गेम सेट मैच का वक्त खत्म होता है, आप लोगों ने रखना है अपना ख्याल और देखते हैं कि आज मुल्तान सुल्तान और कराची किंग्स के मुकाबले में क्या होता है और क्या नहीं होता। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। That is nervous.